विधायक संजय राठौर ने गुरुवार को दरवा तालुका के परमहंस भगवान श्री मूसा जी महाराज के अस्तित्व से पवित्र किए गए धामन गांव में 30 जून को विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे और नागरिकों से बातचीत भी करेंगे। राठौर एकनाथ शिंदे के दल में शामिल होने के बाद गुवाहाटी से सीधे धामनगांव पहुंचने से सभी का ध्यान उनके आगमन की ओर खींचा गया है। धामनगांव में मुख्य दरबार चिंच देवस्थान श्रीराम मंदिर जैसे धार्मिक स्थान है जहां भगवान मूसाजी महाराज की अपनी समाधि है। विधायक संजय राठौर ने यहां के विकास कार्यों के लिए विशेष प्रयास से 35 करोड़ रुपये की विशेष निधि स्वीकृत की है। पहले चरण में भक्ति निवास डिंडी मार्ग जोड़ा रास्ता सभागृह भोजन सभागृह जैसे विभिन्न कार्य इसी कोष से किए जाए। इस विकास कार्य का उद्घाटन समारोह गुरुवार 30 जून को आयोजित किया गया है। आयोजन के लिए एक भव्य मंडप स्थापित किया गया है और इस आयोजन में लगभग 30,000 से 35,000 लोग भाग लेंगे। एकनाथ शिंदे के समूह में शामिल होने के बाद संजय राठौर 30 जून को पहली बार जिले में आ रहे हैं और वह सीधे भगवान मूसाजी मौली के दरबार में आ रहे हैं। यहाँ वह उपस्थित नागरिकों से बातचीत करेंगे और अपनी भूमिका पेश करेंगे। इसीलिए सभी का ध्यान इस समारोह की ओर खींचा गया है। वीकेबी न्यूज़ के लिए यवतमाल से अजित महेंद्र की रिपोर्ट।